दरोगा की परीक्षा में आप सफल हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है इस वर्दी को पहनकर? बहुत अच्छा लग रहा है, नॉर्मल से थोड़ा हटके है इसमें। हम हमेशा सावधानी अपनाना पड़ता है काम में, क्योंकि मेरे एक छोटी गलती से हो सकता है किसी का जीवन खराब हो जाए। बीटेक करने के बाद मैकेनिकल लग नहीं रहा कि माँ बाप का पैसा बर्बाद हो गया इंजीनियरिंग में? फिर भी लगा कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट हमको मिला। 20-25 दिनों में पीटी के लिए तैयारी कर लिया था। नहीं, जैसे ये है कि आपको जब करना है तो वो हो जाता है, और एक एग्जाम में हम असफलता मिली जीके की वजह से, तो पता चला कि नहीं, ये बुक पढ़ने में 6 महीना टाइम लगता है। हम पढ़ना शुरू किए थे, एक हफ्ता में पढ़ लिए। तो रिवीजन ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं पहले कभी जीएस का पेपर दिया नहीं था, तो मुझे ये ही नहीं पता था एग्जाम की डिफिकल्टीज क्या होती है। लेकिन जो टीचर पढ़ाते हैं उसका बेहतर होगा कि नोट्स एक बना लीजिए। विद्यार्थी जीवन में आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो रहे हैं, इंटरनेट है उसमें यूज कर रहे हैं, तो आपको पहले टारगेट पता होना चाहिए हमें क्या देखना है। ज्ञान तो थोड़ा गहराई में होना ही चाहिए, सतही ज्ञान से केवल काम नहीं चलना। प्रैक्टिस किस हिसाब से करना चाहिए, किस तरह से टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए? मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर आप कहीं कोचिंग ले रहे हैं तो उस कोचिंग का प्रैक्टिस पेपर मत बनाकर अपने आप। पापा के मेरा बहुत साथ हो रहा है हर इस परिस्थिति में, और पहली बात की कट ऑफ के चक्कर में पढ़ना है इसमें, तो ये संख्या ज्यादा मायने नहीं रखता है, उसमें आपको 50,000 से एक हाइट होता है। बिल्कुल, हम तो राय देंगे कि हमेशा जो एग्जाम उसे थोड़ा ऊपर पढ़ाई करिए। साथियों, ऑफिसर एकेडमी लेकर के आए हैं मिशन बिहार दरोगा। हमें ऐसे 50 जुनूनी बच्चे चाहिए जिनके सर पर सवार है बिहार दरोगा का भूत, जिनका पहला प्यार है वर्दी, और वर्दी के लिए वो दिन रात एक करने को हैं तैयार। तो ऑफिसर एकेडमी ढूंढ रहा है आप सब में से 50 ऐसे हुनर बच्चों को। हम उनको पूरी तैयारी कराएंगे ऑफलाइन में, फ्री में। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए फॉर्म को फिल कीजिए और नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। पूरी तैयारी निशुल्क। अगर आप में है जुनून तो वर्दी का सपना पूरा कराएंगे हम आपको साथ मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी। साथियों, जिस संघर्ष की गाथा की हम बात कर रहे थे उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ नए मेहमान हैं। संघर्ष की इस गाथा में हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से विभिन्न चुनौतियों का, विभिन्न बाधाओं का सामना करते हुए एक बच्चा, एक स्टूडेंट अपनी सफलता को अर्जित करता है। आप सब में से कई विद्यार्थी हैं जो नित प्रतिदिन संघर्षों का सामना करते हैं, और आपको यह वीडियो जरूर आश्वस्त कराएगा कि आपका यह संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा और आप जीवन में सफलता को हासिल करेंगे। हमारे ठीक दाहिनी तरफ बैठे हैं आशुतोष कुमार पांडे जी, इनके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि आशुतोष जी बीटेक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, उसके साथ ही साथ इन्होंने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को क्वालिफाई किया है, चाहे वो रेलवे जेई की परीक्षा रही हो, एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की परीक्षा रही हो, और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इन्होंने सफलता हासिल की है। फिलहाल ये बिहार दरोगा के पद पर है और भारत को, भारत के साथ साथ यूं कहें कि बिहार की जनता का सेवा कर रहे हैं। तो आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्ते। आशुतोष जी, बिहार दरोगा जो लाखों छात्रों का सपना होता है, वर्दी पहनना एक कर्तव्य पथ का बोध कराता है, एक कर्तव्य का बोध कराता है, समाज के बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोध कराता है। दरोगा की परीक्षा में आप सफल हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है इस वर्दी को पहनकर? बहुत अच्छा लग रहा है, नॉर्मल से थोड़ा हटके है इसमें हम। बिल्कुल अच्छा लगता है पहनने में, चलिए कुछ तो पावर मिला है हमको जो दूसरे नौकरी में नहीं मिलता, लेकिन साथ साथ इसमें थोड़ा टफ भी काम है, कई चुनौतियां हैं बहुत सारी। उम्मीदें होती होंगी आपसे जब लोग आते होंगे, आपको ये भी लगता होगा कि कोई छोटी सी चूक ना हो जाए जिसकी वजह से लोगों के साथ कुछ गलत ना। हमेशा सावधानी अपनाना पड़ता है काम में, क्योंकि मेरे एक छोटी गलती से हो सकता है किसी का जीवन खराब हो जाए या कोई ऐसे अपराधी हो जो बच के निकल जाए, तो इस तरह की सावधानी आम किया है आपने। बीटेक करने के बाद मैकेनिकल लग नहीं रहा कि माँ बाप का पैसा बर्बाद हो गया इंजीनियरिंग में? नहीं, अभी तक तो लग रहा है बर्बाद ही हो गया, लेकिन फिर भी लगा कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट हमको मिला। उससे फायदा ये होगा कि कम टाइम में हम किसी चीजों को कैसे करते हैं ये हमको वहां से, मतलब इंजीनियर वाली जो क्षमता है कि एक रात में किताब लोग पढ़ लेते हैं, उसका फायदा मिला, वो मिल गया हमें, क्योंकि कहीं से मेरा बैकग्राउंड जीके नहीं था और हमने काफी कम टाइम में, जैसे 20-25 दिनों में पीटी के लिए तैयारी कर लिया था। 25 दिनों के अंदर पीटी की तैयारी आराम से रिलैक्स्ड है, जैसे मेरा पीटी था 22 दिसंबर को और हम आराम से छठ पूजा मना के 12 दिसंबर को आए पटना। उसके बाद आए तो पता किया कि मार्केट में कौन से बुक्स चलता है जो के पढ़ने से निकल जाए, तो दो बुक हमें सजेस्ट किया था, एक बड़ा फेमस मार्केट तो लेकर खरीद के आए और हम पढ़ना शुरू किए। कौन सी टेक्निक है भाई कि 25 दिनों के अंदर में तैयारी, जरा लर्नर को बताइए। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भाई ऐसी कौन सी तैयारी है जो 25 दिनों में हो सकती है? नहीं, जैसे ये है कि आपको जब करना है तो वो हो जाता है, फिर दूसरा कुछ दिखता नहीं है साइड में,
बस वही करना है, तो वही कंपेयर कर रहे थे। सबसे बड़ा चीज है कि जैसे दिन भर पढ़े तो रात में उसको देखेंगे हम पढ़े तो कल के कंपेरिजन में कुछ बढ़े कि नहीं, तो जैसे पता चलता था कि हम थोड़ा आगे आ गए हैं तो फिर हौसला बढ़ जाता है, तो उसी हौसला पर करते। अच्छा, तैयारी के दौरान ठीक है आपने दरोगा की स्पेसिफिक तैयारी नहीं की, लेकिन आपने जीके जीएस जब पढ़ा तो क्या किन किताबों की सहायता आपने ली, या किसी नोट से ही पढ़ लिया, या स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो किया, या आप मतलब ये है कि जब परीक्षा की वैकेंसी आई तो परीक्षा के अनुरूप तैयारी किया आपने? नहीं, देखिए जो ये जो एग्जाम था इसके पहले हम जो भी तैयारी किए थे कभी जीके का तैयारी नहीं किए बिल्कुल, और एक एग्जाम में हम असफलता मिली जीके की वजह से, और फिर उसके जस्ट कुछ ही दिनों के बाद जीके की वजह से ही सफलता मिली थी। वाह। तो उसमें हमने एक चीज सीखा था अपने इंजीनियरिंग के टाइम में कि बुक्स पढ़ना एक रात में, तो हम जैसे वहाँ और बच्चों से बात किए तो पता चला कि नहीं ये बुक पढ़ने में 6 महीना टाइम लगता है, हम पढ़ना शुरू किए थे एक हफ्ता में पढ़ लिए। अच्छा, तो हम सोचे कि अगर ये 6 महीना में जितना बार पढ़ेगा ये एक बार पढ़ेगा, हमको पता नहीं हम कितना बार पढ़ लेंगे बुक, मतलब इंजीनियरिंग का ही फायदा हुआ। तो हमने इतना बार बुक पढ़ा था, स्टैंडर्ड बुक ही पढ़ा था जो मार्केट में चलता है, लेकिन एक ही एक या दो बुक पढ़ा था मुश्किल से। अच्छा, वो कौन कौन सी किताबें थी, जैसे इतिहास के लिए बात कर ले तो हिस्ट्री के लिए आपने किन बुक्स को? सर हमने एक ल्यूसेंट खरीद के लाए थे, वहां से हमको लगा कि हाँ तैयारी हमारा ठीक चल रहा है, फिर पता चला तो ये एसपीडी की बुक आती है मार्केट में जो रेलवे के, वो खरीद के ला दे, ये दोनों पढ़े तो पीटी निकल गया, लेकिन कुछ कमी लग रहा था क्योंकि पीटी के बाद हमको डर लग रहा था कि वो ना असफल ना हो जाए इसमें है, लेकिन जब वो निकल गया तो हमको एक कमी लगा, तो फिर हम एक और बुक आता है मार्केट में उसको लेकर उसमें ऐड किए और उसी को तैयारी किए और बार बार पढ़ते। मतलब आपने बहुत शॉर्टकट तरीके से कुछ चयनित किताबों को पढ़ा और आपने बहुत फोकस रोकी किया और एग्जाम निकल गया। बिल्कुल, लेकिन जिन तरीकों से प्रश्नों की कठिनाइयों का स्तर नित्य प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, बार बार आयोग जितनी भी नई परीक्षाएं आयोजित हो रही है उनमें प्रश्नों के स्तर में काफी इजाफा हुआ है, तो दृष्टिकोण से अगर देखिए एक आम विद्यार्थी है जिसके पास आपके जैसी इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, जो एक बिल्कुल सामान्य विद्यार्थी है, उस सामान्य विद्यार्थी के लिए क्या दिनचर्या होनी चाहिए, उनको किस हिसाब से अपनी दरोगा की तैयारी को शुरू करना चाहिए और अंजाम तक पहुंचाना होगा? देखिए एक ही चीज है मैं बोलूंगा कि अगर आप जो सोर्स फॉलो कर रहे हैं वो बुक्स हो सकता है, वो नोट्स हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, या किसी टीचर से आप गाइडलाइन में पढ़ रहे हैं, केवल एक ही आदमी को फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो सोर्स रिविजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू ज्यादा से ज्यादा मतलब अलग अलग सोर्स से लेकर चीजें पढ़े, अल्टीमेटली आपको याद नहीं रहता, रही क्वेश्चन की डिफिकल्टी जाओ तो एक लिमिट तक रहता है कि क्वेश्चन यहाँ तक जाएगा और उस स्टैंडर्ड की आप तैयारी कीजिए सीधे मतलब। और मान लीजिए मेरे साथ क्या हुआ कि मैं पहले कभी जीएस का पेपर दिया नहीं था, तो मुझे ये नहीं पता था कि एक्चुअल में टफ क्या होता है, इजी क्या होता है, और इसकी एग्जाम की डिफिकल्टीज क्या होती है। तो हमको याद आ रहा है कि दिसंबर का ये टाइम था जब हमने एग्जाम दिया था, सितंबर के टाइम में एक लड़का था उसे हम बात किए उससे, तो पूछे कि तेर के फलासी का युद्ध कब हुआ था, तो वो बता दिया तुरंत। हमने कहा यार इतना स्टैंडर्ड इन लोग का हाई है, हमको ये भी नहीं पता था। देखिए ये लोग को बीट करके हमको आगे जाना पड़ा, वही चार टाइम बदला, देखिए वो लोग तो वही है हम आगे नहीं चले। मतलब आपको पता ही नहीं था कि टफ क्वेश्चन क्या है, पता ही नहीं था, हम पूरा पढ़ गए थे, हमको छोड़े ही नहीं, तो एग्जाम में भी हमको वैसे ही नॉर्मल ही लगा। करंट अफेयर्स को लेकर के काफी विद्यार्थी चयनित रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि समाचार पत्रों का अध्ययन करिए, कुछ लोग कहते हैं कि समाचार पत्रों को छोड़िए साहब, किसी यूट्यूब पर डेली एक टीचर के गाइडलाइंस में वो सारी अच्छी चीजें कलेक्ट करके लाता है उनसे पढ़ लीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि मासिक पत्रिकाएं आती हैं प्रतियोगिता दर्पण जैसी पत्रिकाएं आप उनका अध्ययन कर लीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि भाई वार्षिकांक आता है अर्धवार्षिकांक आता है इनको पढ़ लीजिए, आखिर करंट अफेयर्स के लिए क्या रणनीति हो चाहते हो? सर करंट अफेयर के लिए ज्यादा फिर अगर आप कोई इस एग्जाम के लिए वो ज्यादा वो पत्रिकाएं वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके पास वार्षिकांक आता है एक वो कर लिए और एक टीचर जो पढ़ाते हैं उसको फॉलो कर लीजिए। हाँ डेली, लेकिन जो टीचर पढ़ाते हैं उसका बेहतर होगा कि नोट्स एक बना लीजिए, जो पढ़ाए डिस्कशन किया आधा घंटे एक घंटा जितना भी होता है उसमें जितना क्वेश्चन निकले, क्योंकि बताते टाइम में और भी चीजें वो बताते हैं, अगर उसको आप ज्यादा पढ़ लेते हैं जो डिस्कशन जॉट डाउन कर, हाँ उसको नोट डाउन कर लीजिए और उसको फिर पढ़िए और एक कोई चीज पढ़ लीजिए, आपको 100% तो कभी नहीं पकड़ाएगा। देखिए लोगों में विद्यार्थी जीवन में आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो रहे हैं, लोग मोबाइल फोन रखते हैं, पढ़ाई शुरू किया मोबाइल पे व्हाट्सएप में मैसेज आया उसी पर बिजी हो गए, हाय हेलो बाय हेलो करने लगे, उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर पढ़ाई शुरू किया बीच में फोन काट के तब तक कहीं से वीडियो कॉल आ गया, उसके बाद कहीं से किया तो यूट्यूब का कोई चैनल का नोटिफिकेशन आ गया, इंस्टाग्राम की कोई अपडेट आ गई। तो ये जो विद्यार्थी जीवन में नई जमाने के जो रील्स वाले लड़के हैं ये अपने आप को कैसे फोकस रखें, कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचाएं? देखिए जैसे मेरे तैयारी के टाइम में क्या हुआ,
था कि मेरा फोन खराब हुआ, हमने रिपेयर करवाया, फिर रिपेयर करवा के ला के रखे, फिर उसी दिन खराब हो गया। तब तो दोबारा 10 महीना तक मोबाइल नहीं आया हाथ में। अच्छा, तो वो पूरा टाइम चला गया पढ़ाई करने में। और ऐसा नहीं था कि उस टाइम हमको घुटन महसूस होती थी या कोई जो पहले दोस्त थे वो दूर हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर नेट इंटरनेट है उसमें यूज कर रहे हैं तो आपको पहले टारगेट पता होना चाहिए कि हमें क्या देखना है, आप वहीं देखें। तो पता चले नेट खोले 15-20 नोटिफिकेशन आ गए और आप उसी को पढ़ रहे हैं बैठ, तो मोबाइल यूज कर रहे हैं लेकिन लिमिट में। मेरा राय है कि अगर आप यूज कर रहे हैं कम टाइम के लिए यूज के लिए, जैसे दिन में 1-2 घंटा यूज के लिए, कॉल के लिए यूज के लिए। अगर ये सोचिएगा कि दिन भर हम वीडियो देख कर आप तैयारी कर लेंगे तो फिर थोड़ा मेरे हिसाब से तो डिफिकल्ट है। मतलब अध्ययन करना पड़ेगा और स्टैंडर्ड पुस्तकें हैं, हमको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। पर आपको लगता है क्या कि ऊपर ऊपर सतही ज्ञान आपको परीक्षा में सफलता दिला पाएगा? आज के नए दृष्टिकोण में जो परीक्षा के प्रश्नों का जो स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो जो छात्र हैं कि जो हम रट रटा के चले गए, उन रटंत विद्या को अब क्या उस लेवल में फायदा मिल पाएगा? नहीं सर, देखिए अगर ज्ञान तो थोड़ा गहराई में होना ही चाहिए, सतही ज्ञान से केवल काम नहीं चल रहा, लेकिन हम कितना डेप्थ जाना है किसी सिलेबस के वो आपको पता होना चाहिए कि किस एग्जाम में आप प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारे पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर की, आप चलेंगे यूपीएससी का पढ़ रहे हैं, मजा तो आ रहा है पढ़ने में, लेकिन वाला होने है परीक्षा उपयोगी इसमें समझ लीजिए T20 मैच खेल रहा है। अच्छा, परिवार का और दोस्तों का साथ और सानिध्य इसका बहुत असर पड़ता है तैयारी के दौरान। आज की जनरेशन के जो बहुत सारे यूथ हैं वो यूथ अपने माँ बाप से दिन में 30 सेकंड से ज्यादा बात नहीं करते हैं, मिथक है जो मैंने देखा है, ये सच भी है। मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है कभी कभी कि आज के यूथ अपने माता पिता से लगभग 30 सेकंड भी प्रतिदिन नहीं बात कर पाते हैं, पिताजी से तो करते ही नहीं है। तो आपको नहीं लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है जो अपने परिवार के सदस्यों से दिन प्रतिदिन दूर जा रही है, वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए एक थोड़ा सा राह मुश्किल कर रहा है? अगर वो अपने माता पिता के सानिध्य में रहें तो उनके जो दोस्तों के साथ या वो थोड़े बिगड़ने वाला जो एटीट्यूड है उससे वो बच पाएंगे? क्या भूमिका देखते हैं माता पिता और घर के लोग? माता पिता का भूमिका तो जो है उसको व्याख्या नहीं किया जा सकता है, लेकिन दोस्त बहुत ज्यादा असर डालते हैं। आपके किस टाइप के सर्कल है उसमें दो टाइप के लोग मिलेंगे। लेकिन ये कहानी सुनाते आते हैं कि अरे वो तो इतना पढ़ रहा था उसका हो गया नहीं किया, या यहाँ ये नहीं हो रहा, उसमें नहीं जाना है। अगर कोई अच्छा दोस्त नहीं है, हम ये नहीं बोलेंगे कहाँ ढूंढने जाइएगा, कौन पॉजिटिव आपको थिंकिंग देगा कौन नेगेटिव, कुछ नहीं पता। तो बेटर है कि अपने पास एक बबल बना लीजिए कि इससे अंदर ये लोग को आने नहीं देना है। जैसे मेरे साथ क्या था कि सारे दोस्ती उस ऐसा ही रह रहा, लेकिन वो लोग तो पढ़ाई का डिस्कशन नहीं करते थे चलते, क्योंकि उन लोगों का रास्ता अलग था। अब मेरे जो मेरा जो पेस था पढ़ाई का, उसमें हो सकता है वो लोग ना फिट बैठ रहे हैं या उनमें हम नहीं बैठ रहे हैं, तो दोनों का रास्ता अलग है। तो जहाँ तक प्रैक्टिस की क्या भूमिका है, जैसे छात्र आज के दिन में क्या करते हैं कि प्रतिदिन सुबह उठाया सेट बना लिया, दोपहर में आया सेट बना लिया, शाम को कहीं और जाके सेट बना लिया, तो आप क्या देखते हैं कि प्रैक्टिस किस हिसाब से करना चाहिए, किस तरह से टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए, किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि परीक्षा के संदर्भ में उससे उसको मदद मिल पाए? जैसे हम थे पटना में, तो हम तो कहीं पढ़ाई नहीं किए जाते थे, तो जहाँ तक देखे वो लोग कि दिन भर अरे यहाँ सेट बनाना, ये सेट बनाना, दिन भर सेट बनाते हैं वहाँ पे, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बिल्कुल ठीक है, वो उतना नहीं मायने रखता। हाँ, आपको बनाना है, अपना तैयारी जांचना है, पहले तो देख लीजिए कि किसका बना रहे। कुछ मार्केट में ये होता है कि हाँ वो आप बना के खुश हो सकते हैं हाँ बहुत अच्छा। अगर सारे प्रश्न बन जा रहे हैं, एक टॉपर ने कहा कि अगर टेस्ट सीरीज के 100 में अगर 80 सवाल बन जा रहे हैं तो अगली बार से उसको मत बनाइए, क्योंकि वह उसका लेवल बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर। और दूसरा चीज ये होता है कि मेरा यहाँ तक मानना है कि अगर आप कहीं कोचिंग ले रहे हैं तो उस कोचिंग का प्रैक्टिस पेपर मत बनाएगा अपने आप। बिल्कुल, क्योंकि उस अनुरूप वहां पे दिया जाए, क्योंकि वहां उसमें वही रहेगा जो आपको पढ़ाया गया, आपको एक्चुअली में वो हो नहीं पाएगा कि आप क्या है, तो वो कोई और बनाएगा। और कुछ ऐसा भी नहीं उठा के बना लेना है टॉपिक वाइज प्रश्नों का प्रैक्टिस। मान लीजिए कि कोई बच्चा इतिहास पढ़ रहा है, तो क्या आप सजेस्ट करते हैं कि अगर आपने कोई टॉपिक 1857 पढ़ी है, अभी पढ़ के किताब से समाप्त किया है, फॉर एग्जांपल वो स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ रहा है और स्पेक्ट्रम से उसने पढ़ के समाप्त किया, तो आप क्या प्रेफर करेंगे कि वो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को घटनाचक्र से या वन ऐसी पुस्तकों से, जहाँ टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो प्रीवियस ईयर के, उनको बनाते चले उससे बना सकते हैं, वो ज्यादा कारगर होगा। लेकिन हम सोचते हैं कि 2-3 दिन बाद बनाए तब पता चलेगा कि एक्चुअल में था क्या दिन याद गिर रहा है। एक बहुत बड़ी बात है कि 2-3 दिन बाद बनाए ताकि इनको पता चल पाए कि भाई अभी तुरंत पढ़ा और तुरंत बना लिया तो एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एनालिसिस अगर 3-4 दिन का गैप लेके उसको बनाए तो आपको एक्चुअली पता चल पाएगा कि आपने कितना याद है, आपको कितना मेमोरी पावर है। ठीक है ना, ये भी बहुत अच्छी बात है।
साहित्य के अंदर में आप जैसे जो विद्यार्थी होते हैं जो इस जीवन की यात्रा करते हैं उनको खूब सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। घर से कम पैसे आते हैं, परिवार सबका एक जैसा नहीं होता है, हॉस्टल में उनके बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, संगतियां अच्छी नहीं होती है। विद्यार्थी जीवन में चलो भाई शाम को चाय पी के आते हैं, आज चलो भाई इसके यहाँ मुर्गा भात बन रहा है, शाम में आज इसके रूम पर बना के खाते हैं, ऐसी तमाम चीजें जो है समय बर्बादी के लिए रहती है छात्र जीवन में, तो इन चीजों से कैसे बचे? वो दोस्ती यारी भी निभाना है, पढ़ना भी, कैसे ये सब कर पाएंगे? नहीं, आप अपना एक टाइम बना लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई दिन में पढ़ रहा है तो देखिए ऐसा नहीं है कि आप 24 आवर रूम में कैद होकर पढ़िएगा तो आप ज्यादा कर पाइएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप टाइम निकाल लीजिए कि हाँ हमको 3 बजे घूमना है, 4 बजे घूमना है। जैसे मैं तैयारी करता था तो मेरा टाइम 5 बजे था, 5 बजे निकलते थे, कोई दोस्त वोस्त नहीं रहता था, ऐसे निकलते थे एक चक्कर घूम के आधे लगभग 3-4 किलोमीटर का, फिर आते थे, फिर दिमाग फ्रेश रहता था, काम करने का मन करता था उस टाइम में। तो आप एक टाइम बना लीजिए और ये देखिए चल आप जैसे कोई काम था कि मेरे काम में आप गए, आपके काम में हम गए, तो इसमें टाइम कटेगा। और ये मुर्गा और फिल्म तो पटना में चलता ही है, अपना जाइएगा। आजकल मरीन ड्राइव भी आ, मरीन ड्राइव भी तो उस टाइम में नहीं था, उसमें गए नहीं, नहीं भाई नहीं हम गए नहीं है, जब से बना मौका नहीं मिला अभी ना उतना वो नहीं गए वहाँ। आपके परिवार के सदस्यों का कैसा साथ रहा, किस प्रकार से आपके मनोबल को लोगों ने बढ़ाया, किन को धन्यवाद देना चाहेंगे अपनी सफलता में, परिवार के सदस्यों की क्या भूमिका? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब मैं बीटेक कर रहा था तो काफी पैसे उसमें चला गया मैं, और वहां से कुछ हुआ नहीं मेरा, क्योंकि नली प्राइवेट कॉलेज से किया था तो कुछ ना हुआ वहां। तो यहां आए तो बहुत लोग ये बोला रिलेटिव से, नली नाम नहीं रखेंगे उनका, कि ये काम करते हैं इसको बोलो कि कुछ तो काम करे जाके बाहर। तो लेकिन पापा एक थे, इवन मम्मी तक मेरे ना अब तुमको कुछ करना चाहिए, यहाँ तक मम्मी बोलती नहीं थी लेकिन मन में आ गया था, लेकिन पापा बोले ना इतना भी बुरा दिन नहीं आया है कि वो पढ़ रहा है हम उसको काम करने के लिए बोल रहे हैं। तो पापा ने मेरा बहुत साथ रहा है हर इस परिस्थिति में। क्या चलिए बहुत अच्छा। आज एक बात और है कि कुछ विद्यार्थी एक मिथ लेके चलते हैं कि हम जो है प्रतिदिन अगर 8 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, हमें 10 घंटा पढ़ना चाहिए, हमें 6 घंटा पढ़ना चाहिए। आप इनको कैसे, क्या ऐसा कोई निर्धारित समय सीमा है, क्या जरूरी है क्या ऐसा? नहीं, इसके लिए निर्धारित समय सीमा नहीं है। देखिए रोज पढ़ना पड़ेगा, अब आज 12 घंटा पढ़ लिए, 3 दिन नहीं पढ़े तो उसे बनिए 4-4 घंटा ही रोज पढ़े। देख लीजिए हर किसी को एक टाइप का काम नहीं मिलता, जैसे मुझे एक लड़का मिला था उसको हफ्ते में 2 दिन मजदूरी करना पड़ता था बिल्कुल, और तब मजदूरी के पैसे से फिर आगे पढ़ाई करता था, वो अपना ही खर्चा एक्सपेंस को बोला अगर कोई काम करें तो डेली जाना पड़ेगा, इसमें हफ्ते महीने में 5-7 दिन तक काम कर लेते हैं, तो अपना हिसाब से टाइम एडजस्ट कर सकता है कि कितना देर पढ़ना है। और ऐसा ना कि मर रहा है पढ़ते पढ़ते, वैसा भी जरूरत ना है। ठीक है, आजकल के YouTube लेक्चर्स बहुत सारे आते हैं तो बहुत सारे बच्चे उसमें उसका सदुपयोग कर पा रहे हैं, कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। यूट्यूब को आप क्या देखते हैं, ये यूजफुल है या फिर? यूट्यूब पर सबसे पहले तो आपको सिलेक्शन करना है कि कौन सा लेक्चर देखना है। बिल्कुल, दो चीजें होती है, एक तो हमको जो आता है और सामने वाला वहीं पढ़ा रहा है तो हम बहुत खुश है, हम देखे हैं वहीं होता है। लेकिन कुछ लोग होता है जो पढ़ाएगा तब लगे आपको कुछ हाथ में नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअल एग्जाम के लिए वहीं यूजफुल होता है। तो सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करना कि आप पढ़ना क्या है यूट्यूब पर, मतलब बहुत चीज़ है, ये हो सकता है मेरे तरह भी आदमी पढ़ा रहा हो, सकता है कोई बड़े टीचर भी पढ़ा रहे हो, तो किसी को राय देंगे तो उनका देखा मेरा क्यों देखो, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। मतलब ऑलवेज लेवल अप करके प्रिपरेशन में, हाँ वो थोड़ा ज्यादा सोचना चाहिए। और पहली बात की कट ऑफ के चक्कर में नहीं पढ़ना है इसमें कि पिछला बार 80 गया था तो इस बार भी 80 गया, नहीं वो 80 क्या 100 सोचना है, 100 में कितना ला रहा है। अच्छा एक सबसे बड़ी बात है कि NCERT आपने पढ़ी है क्या, सच बताइएगा एकदम बिल्कुल। NCERT हम पढ़े हैं, 11th तक पढ़े हैं, हिस्ट्री पढ़े हैं, ठीक है सिर्फ हिस्ट्री, हाँ हिस्ट्री सिर्फ पढ़े हैं, लेकिन 6 से 11 तक पढ़े हैं, हाँ। लेकिन उसमें ये था कि हम 5-6 दिन में ही सब पढ़ गए थे, 2-3 बार पढ़ गए थे उसको, तो फिर लगा कि हाँ आगे आगे भी तैयारी करना है तो वो पढ़ रहे थे। लेकिन ये तब तक जब इसका चूंकि इसके जब SI का मेंस का डेट आ रहा था तो इसका एक कोविड में सब पटना से भाग गए हम घर गए रूम में, तो वो 10 महीना जो रह गए वहाँ पे वो काम हुआ। और दूसरी बात जो 2-2 महीना के एग्जाम का जो डेट बढ़ाता था ना तो वो तैयारी हमेशा पुश होता रहता था, तो वो लास्ट में फाइनली जब एग्जाम हुआ तो वो उस टाइम में NCERT का तो ज्यादा काम नहीं आया, बट न्यूसेंट से पढ़े तो NCERT का ही समराइज किया होगा, तो NCERT का कोई समरी पढ़ रहा है कहीं से आया हो या मिल रहा है तो वो कारगर होगा, वही कारगर होगा। बाकी देखने के लिए वो हम यहाँ से उठा के लाए ये फलाने राइटर का बुक्स ला ले तो वो कम कारगर होगा वहीं से। मैथ्स रीजनिंग बहुत सारे छात्र कहते हैं कि GS में स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स रीजनिंग ठीक नहीं है, तो क्या बिना मैथ्स रीजनिंग को साथ लिए दरोगा जैसी परीक्षाएं निकाली जा सकती? हाँ बिल्कुल निकाली जा सकती है, उसमें कोई ज्यादा इशू नहीं है। लेकिन GS मैथ्स से क्या होता है,
है ना कि मैथ्स रीजनिंग के साथ आपको जैसे 20 दिया तो 20 में 16 17 आप इजीली बना सकते हैं, लेकिन जीएस में 20 में 16 17 बनेगा इसका कोई गारंटी नहीं रहता है, नहीं के बराबर ही रहता है। मैथ्स के साथ श्योरिटी भी गया, हां बात करते हैं कि जो बन गया वो सही बनेगा। अब जिनका कमजोर है तो चलिए कमजोर है, 20 में 20 तो नहीं ला सकते हैं, हम 13 14 आराम से ला लेते हैं तो काम चल जाएगा। भूगोल के लिए आपने कोई किताब वगैरह पढ़ी थी? नहीं, हम जनरल ही पढ़ाई किए, जनरल पढ़ाई। हां जो तो सबसे काफी सेलेक्ट करके रोज सिलेबस देखते थे, क्वेश्चन का लेवल कहाँ तक जा रहा है वो देखते थे और उसी के दायरे में पढ़ते थे, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास था भी नहीं। अब 20-25 दिनों में हम फ्री में ही फेल कर जाते, तो इसलिए हम उतना ही पढ़े जितना जरूरत है। जितने आज की जो युवा पीढ़ी है, जो लाखों लोग फॉर्म भरते हैं आज के ज़माने में और लगभग 5 से 6 लाख लोग दरोगा का फॉर्म भरते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि किस हिसाब से किन विशेष बातों का ध्यान रखें, कैसे डिस्ट्रैक्शन बचाएं, किस हिसाब से आप उनको गाइड करना चाहेंगे? देखिए, कौन 3-4 बड़ी बात, 6 लाख ज़्यादा मायने नहीं रहता है। दरोगा एक ऐसा एग्जाम है कि जितने लोग लगभग ग्रेजुएट रहते हैं और हाइट वगैरह रहता है उसका भर देते हैं, तो ये संख्या ज़्यादा मायने नहीं रखता है। उसमें आपको 50,000 से ही फाइट होता है। बिल्कुल, तो उसमें आपको थोड़ा अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके नहीं रहिएगा तो फिर पता नहीं रहता कि सामने वाला कैसा है। लेवल पर एग्जाम होता है तो आपको अंत राय देंगे, तो हमेशा जो एग्जाम उसे थोड़ा ऊपर पढ़ाई करिए, थोड़ा दिक्कत होगा। मेरे साथ क्या होता है, जैसे लूसेंट यहाँ तो मैं अपना टाइम बना रखा था कि हफ्ते में एक बार पढ़ लेना है उसको पूरा, तो महीने में 4 बार लूसेंट को पढ़ जाते थे, बाकी साइड से और चीज पढ़ते रहते थे। तो ऐसे 4-5 महीना बिता थे, टाइम आगे लग रहा था कि याद हो गया, मतलब ये बोलिएगा कि हमको ये चीज पढ़ के लाइन से सुना दे तो नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन कहीं से डालिएगा तो हम पकड़ में आ जाएंगे। बाकी नहीं समझ में आता हमको। देखिए, साइंस आर्ट्स वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए साइंस एक बड़ी चुनौती है। हाँ, आप भी बीटेक से इंजीनियर हैं, आपके लिए भी साइंस चुनौती रही होगी। हाँ, बायोलॉजी चुनौती, बायोलॉजी चुनौती है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो फिजिक्स के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं थी, फिजिक्स तो देखना भी नहीं पड़ा, तो बायोलॉजी चुनौती थी उसका सामना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आर्ट्स के होते हैं और वो अचानक से जब साइंस की बारी आती है और साइंस के प्रश्नों की संख्या भी अच्छी खासी होती है। बायोलॉजी में क्या था कि मैं पढ़ तो रहा था लेकिन उतना उसमें एनसीईआरटी पढ़ा था बायोलॉजी की, 9th-10th का पढ़े लेकिन उतना इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा था। एक 5 से जिसने रट रहे हैं उसमें वर्ड भी बहुत समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता तो वो टिक भी नहीं करता था दिमाग में, तो वही होता था कि एग्जाम में भगवान भरोसे पहुंच रहा है, आ गया तो लग गया, तो लग भी जाता था ऐसा नहीं था। इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम होती तो उसमें टारगेट होता था वो उसको ज्यादा बजट और इकोनॉमिक्स सर्वे, हाँ वो थोड़ा वो इनपुट का फ्लस था। ओवरऑल कैसा महसूस हो रहा है नौकरी करके, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? काफी अच्छा लग रहा है, लाइफ कम से कम सेट तो हो गया है, बस इतना तो महसूस हो ही रहा है कम से कम। और आगे फिर बिल्कुल बिल्कुल आगे बीपीएससी की तैयारी। तैयारी हमारे साथ थे आशुतोष कुमार पांडे सर और इन्होंने काफी अच्छे से बताया और बेबाक होकर बोला कि विद्यार्थी जीवन में इन्होंने क्या किया और किस प्रकार से इन्होंने सफलता अर्जित की। हम इनको शुभकामनाएं देते हैं आगामी परीक्षा के लिए, बीपीएससी की परीक्षा में सफलता अर्जित करें, हम सबकी शुभकामनाएं हैं और फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।